सो हेलो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी ऑलमोस्ट हर जगह रिलीज हो चुकी है, पर हमारा मेन फोकस इंडिया पे था क्योंकि वो हिंदी में रिलीज होने वाली थी। तो मैंने इस मूवी को हिंदी में देख लिया है। मेरा रिव्यू ओवरऑल मूवी पे होगा और इसके हिंदी डब के बारे में भी। तो बिना किसी देरी के आ जाइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट, आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी इंडिया में रिलीज हो चुकी है और ऑलमोस्ट काफी लोगों ने उसको देख लिया है। ये मूवी हिंदी, इंग्लिश और जापानीज में रिलीज हुई है, पर सबसे ज्यादा पॉपुलर इसका हिंदी डब ही हो रहा है। वेल, काफी लोगों को मूवी से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हुई हैं, बट कुछ लोगों को मूवी अच्छी लगी है, कुछ लोगों को इसके हिंदी डब से काफी कंप्लेन है, बट कुछ लोगों को इसका हिंदी डब अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्मूथ जा रही थी, पर क्योंकि इस मूवी को काफी ज्यादा स्पॉइल किया गया है इसके रिलीज होने से पहले, तो मुझे पता था कि इसके नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है या उसके बाद क्या होगा। पर मुझे मूवी की स्टोरी थोड़ी सी नॉनसेंस लगी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर पिकलो चाहता तो शुरू में ही सारा कुछ कंट्रोल हो सकता था। जैसे कि जब ड्रैगन बॉल्स की मदद से शेनरॉन को बुलाया गया था, तब पिकलो कोई ऐसी विश मांग सकता था कि वहां पे बीरूस को बुलाया जाए, या फिर गोकू या वेजिटा को, या फिर ज़ेनो को बुलाया जाए। क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर सीरीज में जितनी स्टोरी आगे चली गई है, उससे ये मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि अब हमें सीरीज में बीरूस को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ज़ेनो भी अब गोकू का दोस्त बन चुका है और उसने गोकू को एक बटन भी दिया था, जिसको गोकू प्रेस करे तो वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब मुझे लगता है कि ड्रैगन बॉल सीरीज में ऐसा कोई विलन नहीं है जिसको नहीं हराया जा सकता, क्योंकि गोकू की साइड की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पर क्योंकि अब सिर्फ फैन सर्विस चल रही है, तो उन्होंने सिर्फ गोहान के फैंस को खुश करने के लिए ऐसी स्टोरी बना दी है कि ना वहाँ पे गोकू आ सके, ना वेजिटा, ना ब्रोली, ना बीरूस, ना ज़ेनो, बस सिर्फ गोहान ही उस सिचुएशन को हैंडल करे। पर अगर मूवी के हिसाब से देखा जाए तो उसका एक्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। वो उस टाइम पीरियड में जितना भी एक्शन डाल सकते थे उन्होंने डाला और वो बहुत अमेजिंग था। मुझे पिकलो की नई फॉर्म ने भी काफी ज्यादा शॉक किया, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पिकलो कुछ इतना पावरफुल भी कर सकता है, बट वो भी बहुत अमेजिंग था। पर बीस्ट गोहान को देख के मुझे गूस बम्स आ गए और वो सीन बहुत अमेजिंग था और मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सीन में भी आ गया है। मुझे मूवी में गोहान का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत सही लगा। वो सीन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था जब सारे सैयंस और एंड्रॉइड्स जाकर सेल मैक्स पे अटैक करते हैं। तो ओवरऑल मूवी काफी इंजॉयबल थी और फनी भी बहुत थी। और अब जहाँ तक बात रही हिंदी डब की, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि बचपन में हम ड्रैगन बॉल जी काय देखा करते थे और वो बहुत अमेजिंग था। सबकी वॉइस बहुत परफेक्ट थी और गोहान की तो बहुत अमेजिंग थी, और जिन्होंने गामास की वॉइस दी है उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। इस मूवी को हिंदी डब में देख के इसका मजा और बढ़ गया था, और जितने भी इस मूवी में जोक्स थे वो जब हिंदी में ट्रांसलेट हुए हैं तो वो और फनी बन गए थे। अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर सुपर हीरो मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने किस लैंग्वेज में देखी। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।